तुम फिर आ गई यहां, फिर आ गई? क्यों क्यों आखिरकार मेरी जिंदगी में इतना दखल? वजह क्या? मेरा तुम्हारा कोई वादा है? अरे भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भाई, मुझे मुझे नहीं चाहिए सब। तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी होती है, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे दुनिया वाले उंगलियां उठाते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह का है, लालची गद्दार, गरीबों का ख्याल ना करने वाला। तुम्हारे साथ रहो तो बदनामी मिलती है, ना रहो तो परेशानी मिलती है। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम ना खुदा हो, तुम लोगों में रिस्क बांटती हो, नहीं, ये ताकत तुम्हें अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, उससे डरो जिसने तुम्हें बनाया है और तुम्हें ये ताकत दी है। तुम हम सिर्फ हम गरीबों पे जुल्म करने के लिए इस दुनिया में आई हो, हैं? इंसाफ के लिए लोग तरसते फिर रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, जिंदगी की कोई ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारा साथ दूं? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गरीबों से प्यार नहीं करती। इस बात को गौर से सुन लो, इख्तदार की कुर्सी, इख्तदार की कुर्सी, ये इख्तदार की कुर्सी है, गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई है, महंगी है। इसमें ऐसी क्या कशिश है कि जो इस पे बैठता है उठता ही नहीं, बल्कि कई लोगों को उठवा देता है। गरीब तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, वजीर आजम, सदर साहब, वजीर आला, गवर्नर साहब, आपको लोग उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि आप उनकी तरफ जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी कुर्सी मजबूत है, नहीं हिल रही, किसी से नहीं हिल रही। मगर याद रखिएगा, अब इसके पैर डगमगाने लगे हैं, अब मुझ जैसा कमजोर आदमी भी इसे घुमा रहा है। तो ये वो लम्हा फिक्रिया है कि आपको सोचना है, आपको सोचना है कि ये इख्तदार एक शख्स के पास नहीं रहता, ये वक्त है, बदलता रहता है, चलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, कुर्सी वही रहती है। तो इस पे बैठने वाले को इंसान बन के इंसाफ बांटना है, फिर वो कुर्सी पे रहे ना रहे, लेकिन तारीख में उसका नाम रहेगा, तारीख उसे कभी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो इस कुर्सी से प्यार नहीं करते, बल्कि वो एक आम सी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका अपना शख्सियत में इतना वजन होता है कि वो कुर्सी के बगैर भी ताकतवर होते हैं। ये बात आप लोगों को सोचनी है। वो जो वोट डालने टेंट में जाएंगे, उनके हाथ में वो ताकत है, आप निजाम की तब्दीली ला सकते हैं। नौजवान आप लोग, और आप ही लाएंगे इस कुर्सी पे, लाके उसे बिठाएंगे जो आप में से हो, आपका हो, जो आपके खिदमत करता हो, आपके लिए, आपके लिए दुनिया जहान से मांग के लाए लेकिन आपको पहुंचाए। लेकिन इसके लिए आपको इससे नहीं, अपने वतन से प्यार करना होगा। आज हमारे जो मेहमान हैं शरीफ शो के, वो भी अपने वतन से प्यार करती है, अपनी शख्सियत में बहुत सारे रंग लिए हुए, बहुत सारे रंग लिए हुए ये शख्सियत, जिसमें एक सामाजिक कारकुन भी है, एक खूबसूरत एक्ट्रेस भी है, एक बहुत अच्छी माँ भी है, एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, एक बहुत अच्छी बेटी भी है, उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, और फिर एक बहुत अच्छे ख्याल रखने वाली पाकिस्तानी है, इस वतन की बेटी है। लेकिन उनकी तशरीफ लाने से पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि ब्रेक के बगैर हम भी फिर कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी कुर्सियां भी ब्रेक से जुड़ी हुई हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फौजन साहब, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने एक शख्सियत का आपके सामने एक
पूरा खाका बनाया, उनकी पूरी शख्सियत उसमें आ गई जो हमने आपको बताया, और वो अब स्टूडियो में भी आ गई, तो उनको यहाँ बुलाना भी अब लाजिम है, उनके बारे में हम बता चुके हैं। और आप भी उन्हें मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप उनके ख्यालात जानना चाहते हैं। और आप अब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि लोग हैं ना पॉलिटिक्स से इतना घबरा गए हैं कि अब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजरे जो इंटरटेनिंग हो, जो अच्छी बात करते हो, और वो बातें जो आम जिंदगी में होती हैं, और वो बातें ना करें जिसमें आखिर में झूठ निकले। तो ऐसे ही लोग शरीफ शो में आते हैं जो सच सच बातें हमारे सामने करके जाते हैं। खवातीन हज़रात, अब आपको इस्तकबाल करना है उस शख्सियत का जिनके बारे में मैंने इतना एक पूरा खाका बनाकर आपके सामने पेश किया है। जितनी प्यारी जितनी खूबसूरत हमारी शख्सियत है, आपका इस्तकबाल भी उतना ही शानदार होगा, और ये शरीफ शो की परंपरा है। आपके बहुत सारी तालियां मुतशरीफ लाएंगी अतीका ओजो। मैंने आपको कहीं हाथ मिलाते हुए देखा था, तो मैंने छोटा सा शायद के कहीं मिल जाओ। अच्छा। मैं इसलिए जीता हूँ। अच्छा। अतीका, सबसे पहले तो मैं आपको शरीफ शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। आपका शुक्रिया कि आप आई। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो दुरुस्त आई। आपने दिल का साथ ना छोड़ा, लेकिन हम घबराए तो हम घबरा गए थे कि शायद आप आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन आप आ गई और आगे अब आपको मैं बाकायदा से खातून हज़रात, हम आपको बताना चाहते हैं अतीका इस वक्त हमारी मेहमान है। हम इनसे आज जो सारी मतलब वो बातें करेंगे जो शायद आपने किसी इंटरव्यू में नहीं देखी होंगी ना सुनी होंगी, क्योंकि इतना हम इनसे इंटरव्यू इतना डिटेल में लेना चाहते हैं। अच्छा। और इतनी अच्छी आपसे बातें करेंगे कि आप खुद भी बहुत खुश हो जाएंगी, और फिर अगले शो में भी आप आएंगी इंशाल्लाह। आपका पूरा नाम अतीका ओडो है और आप 12 फरवरी 1947 को पैदा हुई। हाँ, ये जरूरी है ये सारी इंफॉर्मेशन। 1947 में हुई ना? राइट। 1947। आप उमर भाई जो कहेंगे मैं हाँ में हाँ मिलाती जाऊंगी। ये क्या बात हुई, क्योंकि 2 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने। नहीं नहीं, आप हुई हैं 68 में, 1968। हाँ जी। और इस वक्त आप माशाल्लाह 43 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आप लगती अभी भी 35 और 36 की। हाय, बड़ी कोशिश में हूँ मैं कि 35-36 में आ जाए। आप नहीं आ जाए ना, उसमें क्या है, अभी जो 50-50 की हैं वो 30 की बन के फिर रही हैं। हाँ। तो मार्केट में तो यही चल रहा है इस वक्त। उम्र का जहाँ तक ताल्लुक होता है वो इंसान के जहन में होना चाहिए। जहन में होना चाहिए एब्सोल्युटली कि वो कितना बड़ा है। यस, आदमी बड़ा होना चाहिए। उम्र तो चाहे 100 साल हो जाए और बंदा छोटा हो। अच्छा नहीं उमर भाई, मेरा ये है कि मैंने कभी ना अपनी उम्र छुपाई, ना अपने बच्चे छुपाए, ना अपना नवासा छुपाया। नवासा भी आपका? मेरा नवासा भी है माशाल्लाह। आप मुझे कहते तो मैं ले आती शो पे उसे। हाँ तो आप ले आती, तो आप देखती मेरे चेहरे पे ममता कितनी आती है। मैं तो नवासों को देख के मेरा तो प्यार उमड़ आता है। जिंदगी कहाँ आ गई है अतीका, मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है उसमें कलर्स बहुत हैं, बड़े शेड हैं। एक तो आप सोशल वर्कर, एक वर्क करती हैं, एरियाज में जाती हैं, उन एरियाज में चली जाती हैं जहाँ पे सिचुएशन है बहुत ख़राब भी हैं, हालात भी ख़राब हैं, बारिश हैं, तूफान हैं, सैलाब हैं, आप जाती हैं एनजीओ जो सोशल वर्क आपका है। तो उसके बाद आप एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्ट्रेस हैं, और खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और वैसे भी खूबसूरत हैं। एक आपके 2-3 रिस्क हैं ऐसे एरिया में जाने में, फिर भी आप वो रिस्क लेती हैं, जाती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। उसके बाद फिर आप ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, जैसे मेकअप इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपका अपना प्रोडक्ट है वो आप कर रही हैं। ये तो मैंने आपका एक छोटा सा मुख्तसरन तारुफ बताया। अब मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ कि सितारा महरुन्निसा आपका ड्रामा था जी, अनवर मकसूद साहब ने लिखा, आपने किया जी। जब आपने ड्रामा किया था, आपके जहन में सिर्फ आर्टिस्ट बनना था या आपके जहन इससे आगे सोचता था उस वक्त भी? उमर भाई, मैंने कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा कैलकुलेशन करके काम नहीं। अच्छा, अगर आप सिर्फ मुझे उमर भी कहना, मुझे कोई इतराज नहीं।
ऐसे मैं कह रहा हूँ वो फैमिली शो लगने लगता है। मैं कर नहीं सकती। बार बार भाई कह रहा हूँ वो फैमिली। हाँ वो आपकी आप मुझे अंकल की इज्जत है कि मैं मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा। नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। बट ये है कि मैंने कभी भी जिंदगी में जो भी काम किया है, चाहे एक्टिंग की तरफ आई या सोशल वर्क की तरफ गई या अब सियासत की तरफ जो गई हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कहाँ जाएगा क्या होगा। आप तो बहुत, यानी कि मैं कहती हूँ बार बार के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं मुझसे। मेरी कोशिश है कि अगर मैं कहीं किसी की मदद कर सकती हूँ या कहीं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो इंसान को कोशिश में रहना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का या आप जब बात करते हैं सदर बनने का ताल्लुक होता है, तो आई थिंक कि मेरी क्वालिफिकेशंस नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्वालिफिकेशन ही कुछ और है ना सदर बनने के लिए। हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। बल्कि क्वालिफिकेशन में तरमीम भी हुई है खासी, ताकि किसी ना किसी तरह सदर बन जाए। तो मैं भी बन सकता हूँ। कॉम्प्रोमाइज बहुत होता है। मैं भी बन सकता हूँ अब सदर। नहीं उमर भाई, आप में भी ये कैपेबिलिटीज नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने भी आवाम की खिदमत बहुत अरसा की है, और जो लोग आवाम के करीब रहते हैं ना वो काम कर ही नहीं सकते जो आपको करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। जो आवाम के करीब है वो सदर नहीं बन सकते। देखिए मैं आपको कहते हैं कि मैं इन इलाकों में जाती हूँ जहाँ पे यानी कि खतरा होता है। आपको पता है मुझे कभी एक भी मर्तबा जिंदगी में खतरा महसूस नहीं हुआ। सवात में, इंटीरियर सिंध में, कहीं भी मैं जाती हूँ मुझे खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप अपनों से डर कैसे सकते हैं। मुझे अपनों से डर नहीं लगता। और आप ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है। आप अगर अगर आपके जहन में हो ना, और यही बात आप बिलीव करें, मैंने एक बंदे से पूछी जो ये सर्कस के अंदर शेरों को हंटर मारता है, स्टूल पे बिठा देता बबर शेरों को, तो मैंने उससे पूछा क्या बात है कि तुम्हें डर नहीं लगता। यार हम तो उसको देख के दूर से डर जाते। वो कहने लगा भाईजान हमारे जिस्म से रेजिस निकलती हैं और ये स्मेल करता है, और अगर हमारी फ्रेंडली रेजिस हैं तो ये इसको समझ आ जाती है कि मैं दोस्त हूँ। तो मुझे अपने ख्यालात वो रखने पड़ते हैं इसके लिए फ्रेंडली, ताकि वो रेजिस जो है ना इसको मैच करें बिल्कुल और इसको मुतमइन करें। तो आप जब उनको अपना समझती हैं तभी तो आपको डर नहीं लगता। नहीं मुझे नहीं लगता। जिस दिन आप समझने लगेगी ना कि ये मेरे लोग हैं, आपको डर लग गया। और प्लस अगर आपने लोगों अपने लोगों से ज्यादती की हो ना, फिर आप डरते हैं उनसे। लेकिन अतीका ये कैसा वक्त आ गया है कि हम सब अपनी गलियों में भी डर रहे हैं। यार आज पता नहीं हम अपनी गलियों में भी डर रहे हैं, अपने मोहल्ले के कोने में खड़े हुए डर रहे हैं। लेकिन लड़वाया जा रहा है लोगों को। डराया जा रहा है। डराया और लड़वाया जा रहा है। लड़वाया जा रहा है, यानी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना हमें। हमने तो यहाँ रहना है, और जहाँ हमें भी वो भी वक्त याद है जहाँ पाकिस्तान कहीं और होता था, कहीं किसी और जगह पे खड़ा होता था। अब आप देखें इसका हाल, हमने उसको वापस लेके जाना है। वी हैव टू मेक इट अ प्रोग्रेसिव कंट्री। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इस वक्त, मैं उम्मीद जो मेरी है वो यूथ से है, क्योंकि वो ही अब तब्दीली ला सकते हैं। बहुत बड़ी बिल्कुल वो उन्हीं के हाथ में हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आपके कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो जो पढ़ भी नहीं रहे बेचारे, जो जैसे मैं लियारी के यंगस्टर्स की बात करती हूँ, लियारी का आप हाल देखें, जिनको उन्होंने गैंग्स में बनाया हुआ है। ये जो नौजवान नस्ल है, इनको बस समझ आ जाए ना इनकी ताकत क्या है, तो इनको इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये अगर इनकी समझ आ जाए कि जी हमारा ही जो एक मुस्तकबिल है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब ये हमें इस्तेमाल करते हैं बुरे कामों में, छोड़ दें करना ना, तो ये लोग कर नहीं सकेंगे जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। जो लोग इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन जो हो रही है, जो गरीब को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये इस्तेमाल इसलिए भी हो रहे हैं ज़रूरतन, बिल्कुल ज़रूरत होती है, क्योंकि एक भूख है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है, बिजली के बिल हैं, खाना है, बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है कि सिस्टम हमारा कभी बना ही नहीं है। आज तक हम बगैर सिस्टम के हम वाहिद मेरा ख्याल है शायद मुल्क के जिसमें सिस्टम नहीं है। हर काम जोर जबरदस्ती पे या ताल्लुकात की बेस पे होता है। कोई भी काम हो, कहीं भी हम चले जाए, हम सबसे पहले ऐसे देखते हैं हमारा जानने वाला को बेटा। हाँ भाई बशीर, अरे भाई जल्दी जरा यार, टाइम लगाना यार, तुम रुको भाई, तुमने मरना इतनी जल्दी देर हो जाए, आप जाओ, ये हो रहा है। तो ये एक चीज मैंने जो देखी, ये अभी मैं आया हूँ 4 दिन पहले अमेरिका से, तो अमेरिका में क्या गुर्बत नहीं है, मैंने वहां रोटी मांगते हुए लोग देखे, बहुत स्त्री बेच रहा है एक आदमी खड़ा, एक दूसरे को पूछता भी नहीं है उमर भाई, कोई पूछने वाला नहीं, लोग एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भूखा हो तो हम बिठा के रोटी खिला देंगे, बिल्कुल। वहाँ वो हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। ये गुर्बत दिखाई नहीं जाती है, हमारी गुर्बत बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बना के हमारे ही लोग देके आते हैं। सही है। यार इसको चंदा लेने की बिल्कुल, तरह बिल्कुल। और चंदा ला के यहाँ पे देते भी नहीं है, और बस वो चंदा मामा को दे देते हैं।
रहे हैं। तो मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि इस मुल्क पे अल्लाह की कितनी रहमत है कि इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ, इतना सिस्टम खराब, फिर अल्लाह ताला इसमें इतना टैलेंट भी दे रहा है, इसमें हर चीज़ मौजूद है, अब हमें सिर्फ संभालने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारी जो एक वॉर चल रही है वो ये है कि हम बहुत पीछे रह गए। सही। हमें आगे कैसे जाएंगे ये सोचना अब हमारा काम बन गया है। अब ये पाकिस्तानी का हर शख्स सोच रहा है कि वो आगे कैसे जाए। आगे जाने के लिए आपको हुजूम में से कौम बनानी होगी, एक क्राउड को एक नेशन में आपने बदलना है। ये क्राउड तो है, नेशन नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये क्राउड नेशन में बदल गया, जिस दिन भी जिस दिन हमारी सबकी सोच इस्लामाबाद से लेकर के कराची तक एक हो गई, आप एक बिल्कुल नया पाकिस्तान देखेंगे। अच्छा, आपके सियासी मकासिद में कहाँ तक कामयाबी हुई अभी तक? आप एक पार्टी भी आपने ज्वाइन की थी। हाँ जी, लॉन्च की थी। लॉन्च की नहीं, यानी कि मेरी अपनी पार्टी है। आपकी अपनी पार्टी? हाँ, मैं पूरी ओनरशिप लेती हूँ उस पार्टी की। आपने परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी? मुशर्रफ साहब की पार्टी। हाँ, जन साहब, जन परवेज मुशर्रफ साहब की। हाँ जी, पार्टी में। अभी आप उस पार्टी में हैं? जी बिल्कुल, वो काम वर्क कर रही हैं उसकी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या उनका क्या है? मैंने डॉक्टर अमजद को भी यहाँ बुलाया था, उनसे भी बात की थी। हाँ। आपसे भी बात कर रहा हूँ। हाँ। वो 23 मार्च को पाकिस्तान आने वाले हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला, लेकिन वो आ रहे हैं तो एक उम्मीद, एक वो एक कुछ लोगों में मैं ऐसा भी महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को उनका इंतजार भी है। हाँ। यानी कि ऐसा मैंने देखा है, बहुत लोगों का उनका इंतजार है। इंतजार है। अच्छा। हाँ। मुख्तलिफ तरीकों से इंतजार, तरीकों से इंतजार। अभी बताइए, ऑपोजिशन भी उनका इंतजार कर रही है, गवर्नमेंट भी उनका इंतजार कर रही है। देखिए, समझती हूँ, पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो कुछ साल पहले था। अब हमारे ये मीडिया के हवाले से ना आवाम को एक आवाज़ मिल चुकी है। तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो हम बात करते हैं ना, मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि मुशर्रफ साहब अपने मुल्क वापस आएँ और आके यहाँ पे खड़े होके बताएँ कि जी, ये 8-9 साल ये काम हमने किए थे और ये हमने खिदमत की थी इस मुल्क की और ये मसाइल थे। क्योंकि किसी पे तंकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना, उसको स्केपगोट बनाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप ख़ुद बैठे हुए हैं, अभी आपके पास एक जमहूरियत चल रही है, एक हुकूमत चल रही है, आप देख लें कितना मुश्किल वक्त गुजरा है हम सब पे। अब मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रही, बट ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि बात करने में और काम करने में बहुत फ़र्क होता है जब इतनी मुश्किल सिचुएशन में आप एक मुल्क को गवर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपने ख्वातीन के लिए मेकअप वगैरह भी, आपने आपका प्रोडक्ट है। मैं खवातीन के लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं। हाँ जी। क्या ऐसी आपने सस्ती चीजें बनाई हैं? हाँ। कि ये खवातीन इसको परचेज कर सकें, ले सकें, हर इलाके की खवातीन ले सकें, सिर्फ वो उन इलाकों की नहीं जहाँ जो इलाके हैं। और भाई, मेरा जो एक ताल्लुक है, मैं खुद एक औरत, मैं पली हूँ। अच्छा, आपने बता दिया। अगर कोई आपको कोई शक था तो आज दूर हो गया। मतलब मैंने एक कंफ्यूजन था। और मेरी जिंदगी में इतनी स्ट्रॉन्ग डायनामिक औरतें आई हैं, रही हैं, बचपन से मुझे पाला है। और लोग अक्सर कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आई नेवर अंडरस्टूड दिस, बिकॉज मेरी जिंदगी में हमेशा किसी औरत ने ही मुझे हिम्मत दी है कि आगे बढ़ो। और ये जब आप दूसरी औरत को देखते हैं कि वो हिम्मत कर रही है ना, तो आपका भी दिल चाहता है कि आप वहाँ तक जाएं। तो ये मैंने एक चीज़ बहुत छोटी उम्र पे सीख लिया। तो आज जब मेरे पास चैलेंजेस आते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल जब वक्त आता है उमर भाई, मैं सिर्फ एक चीज़ अपने जहन में याद रखती हूँ, वो ये है कि अगर मैं हिम्मत हार गई तो उन औरतों का क्या होगा जो अभी ढूंढ रही हैं, किसी को देखना चाहती हैं कि कोई औरत है जो हिम्मत कर सकती है, कोई आइडियोलॉजी जो उनके अपने आइडियोलॉजी। रोल मॉडलिंग बड़ा जरूरी होता है, जहाँ पे जुल्म बहुत है, बहुत जरूरी है। औरत पे जुल्म बहुत है, हर लेवल पे, हर लेवल पे। जरूरी है, औरत इतनी मजलूम है, मर्दों को तो होना ही नहीं चाहिए। मर्द भी मजलूम है बेचारे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लोग मजलूम है। लेकिन औरत पे ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सोशली हमारे जो एक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट ज़्यादा माचो सोसाइटी है। मुश्किल है, मुझे बताएं तो सही क्या है। ख़वातीन का सिर्फ ये है कि वो चाहती हैं कि आप उनको मोहब्बत और इज़्ज़त की निगाह से देखें।
सिर्फ सीरियसली मुझे जो भी कोई अगर दो यानी कि अच्छे बोल बोल दे और इज्जत से बात करे, मैं बड़ी तमीज़ से चलती रहूँगी उनके साथ. कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करे या अगर वो कोई मुझे लगे कि कोई यानी कि गंदगी आ रही है मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उस शख्स के साथ. फिर आप क्या करती हैं? बस बहुत गुस्सा चढ़ता है, मेरा गुस्सा बहुत है, गुस्से वाली हूँ मैं बहुत. हाँ बहुत ज़्यादा. अब बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है भाई, लेकिन ज्यादती पे गुस्सा आता है मुझे. ज्यादती पे गुस्सा, गलत बात पे गुस्सा. मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा अभी, शुक्र है भाई, आप तो आ ही नहीं सकता. अच्छा आ ही नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र. यानी मैं इस केस से बाहर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंदर क्या है. अच्छा आप, ओहो ये भी तो सलाहियत है आपके अंदर, आप अंदर तक देख लेती हैं. आप फंस गए. यानी मैं खातून हज़रात, हमने गलती से एक्सरे मशीन बुलवा ली. बिल्कुल एब्सोल्युटली, हमने बुलाना तो हथी का ऑर्डर था और वहाँ पर आ गई एक्सरे मशीन. आप इतना अच्छा कर लेती हैं अपना सारा, कभी धोखा खाया आपने? धोखा भी खाया, जुल्म भी बर्दाश्त किया, जालिम भी देखे और तकलीफ भी देखी. और लेकिन ये है कि हम जैसे लोग उमर भाई जब तक ये चीज़ें देखते नहीं अपनी ज़िंदगी में, बर्दाश्त नहीं करते उनको, हम काउंटर नहीं करते, तो फिर हम भी ताकतवर नहीं बनते. आई थिंक कि ये जो चैलेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें अंदर से अल्लाह ताला फिर हिम्मत देता है कि हम आगे लड़ाई लड़ सके दूसरे लोगों के लिए भी ना. अच्छा आपको पता मैंने आपको पहली दफ़ा कहाँ देखा था? कहाँ? हॉलीडे इन में. अच्छा क्या, कौन सा साल? मासूम लतीफ़ ने एक प्रोग्राम कराया था, जुनेद जमशेद को इंट्रोड्यूस किया था उस शो में उन्होंने. अच्छा हॉलीडे इन में जो मैरियट बन गया. अच्छा ओके, इसमें ओके, उसमें आप आई थी. अच्छा मुझे तो याद नहीं, आपकी तो मेमोरी बड़ी अच्छी, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद. तो आपको तो बिल्कुल नहीं याद, आपको ये तो याद है ना, आप शरीफ शो में आई हुई. हाँ ये तो है, ये ध्यान में रखिएगा. याद है तो वहाँ मैंने आपको देखा था, तो मेरा जहन था कि आपको फिल्मों में जाना चाहिए, मतलब इतना अच्छा फेस आपका, बहुत प्यारा फेस था. तो मैंने कहा मुझे फिल्मों में, इनको फिल्मों में जाना चाहिए. इत्तफाक से हाँ। आप फिर फिल्मों में भी गई. हाँ। आपने फिल्में की, मेरे ख्याल 3-4 फिल्में की आपने शायद. बिल्कुल बड़ी सिलेक्ट. एक मम्मी फिल्म थी आपकी, एक जो आपने गया, थी, वो मर गया. जो घर गया वो मर गया, और जो घर गया वो मर गया. ये बात बिल्कुल सही है वैसे, जो घर गया वो मर गया. आजकल के जो घर गया वो मर गया, क्योंकि इतनी महंगाई है, जो घर गया बीवियां सारे खर्चे निकाल के रख देती. लेकिन और भाई मुझे फिल्म में बड़ा मजा आया. कौन सी पिक्चर में? सारे में मेरे फिल्म इंडस्ट्री में मजा आया. आप 3 फिल्में आपने की, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं उमर, कितने अच्छे लोग थे, और हमने क्या किया उस फिल्म इंडस्ट्री के साथ. किसने? मैंने नहीं, हम लोगों ने. आपने क्या किया? सबने. आपने तो बड़ी कोशिश की. आपने क्या किया उस फिल्म के साथ? हाय लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, क्या करें, फिल्म को हमें दोबारा जगाना चाहिए. देखिए हमें पता कैसे जोड़ सकते हैं, हम तो जोड़ ही नहीं सकते. हर शो में मैंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान की कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी जो कल्चर पॉलिसी बनाएगी, कि जिसके अंदर इस काम से कोई मुल्क फायदा ले, जैसे इंडिया ले रहा है. इंशाल्लाह देखें हमारी हुकूमत आएगी और आपकी हुकूमत आएगी. आप अहद कर रही हैं? नहीं पता है, जरूरी है क्योंकि हमारा जो एक ओवरऑल इमेज बनी हुई है दुनिया में, उसको हमें सॉफ्ट करना है. ये लोग भी तो रहते हैं यहाँ पे, आप देखें आपके जो ये इतने खूबसूरत ज़हीन लोग हैं इस मुल्क में, नजर क्यों नहीं आ रहे दुनिया में? क्या ये थोड़ी है कि जी हर शख्स यहाँ पे एक टेररिस्ट फिर रहा है पाकिस्तान में. हम बाहर की दुनिया में यही में है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम हमारे लोग गुजर रहे हैं ना तकलीफ से. अल्लाह माफ कर, मैं भी न्यूयॉर्क में था. हमारी कहानी भी तो कोई बताए उन्हें दुनिया. मैं भी न्यूयॉर्क में था, मैं जिस बिल्डिंग के लिफ्ट में मैं घुसा उसमें ऑलरेडी 6-7 आदमी थे, मैं घुसा वो बाहर आ गए. और मैं भी बाहर आ गया. अब वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं You have any problem? मैं कहा no problem. Okay. कहता then go. हाँ. मैं कहा and what about you people? हाँ. मैं कहा we are another lift we will use. जो वो दे दे. अच्छा. problem. वो कुछ Japanese type के लोग. अच्छा ये मैं सोच रहा था. अंदर घुस गया. हाँ. फिर अंदर घुसा. हाँ. फिर मैं भी बाहर निकला. मैंने कहा पता नहीं मसला क्या है. हाँ. वो पता चला मेरे वजह से कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो मेरे ऊपर एक यानी कि मैं लिफ्ट में भी मेरे साथ नहीं बैठ रहे कोई.
ये एक जो इंसल्ट आप वहां महसूस मुझे एक्चुअली उमर भाई ऑनेस्टली जो लोग कहते हैं तुम इतनी क्यों तुम पागल हो जाती हो तुम क्यों कोशिश कर रही हो क्यों अपनी जिंदगी तुम रिस्क पे लगाती हो एंड ऑल मैं कहा क्यों मेरे बच्चे जो हैं आपके बच्चे हमारे बच्चे यानी कि फ़ख्र से अब सर नहीं उठा सकते उम्र भाई बिल्कुल और ये एक बहुत तकलीफदेह बात है किसी भी माँ के लिए और आप किसी भी माँ से पूछें पाकिस्तान में कि क्या वो नहीं चाहती कि वो उसके बच्चे फ़ख्र से सर उठा के कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ मगर माओ को एक काम करना होगा हाँ देखिए माँ की एक जिम्मेदारी है हाँ। जो मैं ये प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ अपनी तमाम माओ से काबिल इज्जत काबिल एहतराम माओ से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ एक चेक रखें आप अपने बच्चों पर कि जो बच्चा आपसे 50 रुपए लेकर गया है अगर वो रात को आपको 5 लाख रुपए ला के रखवाता है कि अम्मी ये पैसे रख लें तो आप यकीनन पूछेंगे बेटे तू मुझसे 50 रुपए लेके गया था तू 5 लाख कहाँ से लाया हाँ, नहीं बिल्कुल ये चीज खत्म हो चुकी है इसको सही रास्ते पे चलाएं अपने बच्चों को सही रास्ता अपने बच्चे पे चेक रखे ना देखे मैं अपनी बात बताता हूँ मैं एक बार अपने एक फंक्शन में गया मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे मैंने अपने दोस्त से कहा यार मुझे कमीज दे दे मैं शर्ट पहन लेता हूँ उसने दे दी उसकी शर्ट अच्छी थी मैंने पहन ली और पहन के फंक्शन कर लिया फिर हम घर आ गए पैदल चलते हुए जब आ गए तो मैं अपने घर चला गया ऊपर बिल्डिंग में वो अपने घर चला गया मैं सुबह ले लेंगे शर्ट का मेरी अम्मी ने मुझे सोते में सुबह उठा के पूछा कि तुम किसकी कमीज पहन के आए हो तुम तो कोई और कमीज पहन के गए थे यानी अगर माँ बाप यहाँ तक बच्चे पर आ जाए ना तो फिर ये बच्चे बिगड़ नहीं सकते और तरबियत क्योंकि हमने पूछना छोड़ दिया है और अब और दूसरा एक और मसला होता है कि वालदैन माँ बाप दोनों ये करते हैं कि कभी शर्मिंदगी में बच्चा जब छोटा होता है ना तो बच्चे कोशिश करते हैं कि झूठ बोलने के लिए वो चीजों से यानी बचने के लिए होमवर्क नहीं करना है छोटे छोटे झूठ बोलते हैं नहीं हम झूठ बुलवाते हैं बच्चों से हाँ उस उम्र पे अगर आप मना कर दें ना नहीं घंटी बजी हम झूठ बुलवाते हैं सॉरी मैं आपको हम झूठ बुलवाते हैं कैसे घंटी बजी हमें कहा बाहर बच्चा भागा भाग गया बिल्कुल सिखाते हैं हम बच्चों को अकरम चाचा आए कह दो मैं हैदराबाद गया हूँ नहीं झूठ तो आप बच्चे से खुद बुलवाते हैं बिल्कुल तो वो सीख रहा है आपसे सीख रहा है अच्छा मैं आपको आपसे बातों का सिलसिला जारी है आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन तुम्हारा ये भाई हालात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है सही है सबकी तरह सबकी तरह मेरे हाथ में भी एक जंजीर है जो नजर नहीं आती ये जादू की जंजीर है ये उन लोगों ने मेरे हाथ में पहनाई है जो कमर्शल चलवाते हैं बिल्कुल बड़ा जरूरी काम है ये खातन हजरात हसब मामूल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू करेंगे अपने नए मेहमान और अतिका के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अभी बहुत टाइम है आप देखेंगे आज हमारी इनकी गुफ्तगू जब शुरू होगी तो हो सकता है हमारा कुछ झगड़ा बगड़ा भी हो जाए माइंड मत कीजिएगा डोंट गो एनीवेयर कहीं जाइएगा मत प्लीज कोशिश भी मत कीजिएगा हालात बहुत खराब है घर में बैठने का है डरने का नहीं है डराने का है तो विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर प्लीज वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक बड़े हम डिसेंट लोग हैं जो हमारे मेहमान हैं इंतहाई नफीस इंसान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अलामतें जाहिर करती हैं कि वो अच्छे इंसान हैं पैदा होते ही और पैदा होने के बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होते हैं तो वो उसी जिस हिसाब से बढ़ रहे होते हैं उसी हिसाब से इंसान भी बनते जाते हैं यह आदमी का कॉन्सेप्ट नहीं इंसान का बता रहा हूँ तो इंसान बनते 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 फिर वो इंसानी हुकूक की जो कोई एक तंजीम हो जो कि इंसानी हुकूक को कभी कभी याद भी दिलाना पड़ता है खास करके हमारे मुल्क में बताना पड़ता है कि इंसानों के हुकूक क्या हैं दूसरे मुल्कों में तो लोग जानते हैं लेकिन हम जो खुद जिस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं हम जिस नबी की उम्मत में से हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद इंसानी हुकूक की बात करी और आज के जो ये मेहमान हैं ये इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं चाहे वो भूख का मसला हो चाहे वो सैलाब का हो चाहे वो नौकरियों का हो चाहे वो कैदियों का हो सज़ा का हो किसी के खिलाफ कोई जाली झूठा केस हो जो लोग अगवा कर लिए जाते हैं उन्हें आज़ाद कराते हैं वो लोग जो किसी अदालतों में मुकदमा लड़ने की ताकत नहीं रखते उनका मुफ्त मुकदमा लड़ते हैं
लेकिन इनके मकासद में कहीं भी कोई ओहदा, कोई मुकाम ऐसा जिसमें इस चीज़ का बदला हो, या कोई ऐसी जॉब, या सिर्फ एक एनजीओ। ये यूएनओ में एडवाइज़र भी हैं ह्यूमन राइट्स के, और पाकिस्तान में एक ट्रस्ट चलाते हैं। अभी आपने देखा बहरी कज़ाकों से लोगों को छुड़ा कर लाए, किस तरह पैसा जमा किया, और फिर उसमें हिंदुस्तान के कैदी भी थे जो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन वो हिंदुस्तान का हो, नेपाल का हो, जापान का हो, पाकिस्तान का हो, इंसान जब किसी इंसानियत की चीज़ पे बेस करता है तो फिर वो सब इंसानों के लिए यकसा होती है। ऐसी मोहतरम मुअज़्ज़िज़ और समाजी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम अंसार बारने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरा और अतीका का ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। ऑब्जेक्शन, मेरा और अतीका का ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। प्लीज लेट मी फिनिश। ओके, गो अहेड सर। जब ये तशरीफ लाई, मैंने इनसे शेक हैंड करने के लिए एज ए होस्ट हाथ बढ़ाया, इन्होंने बड़ी सफाई से हाथ बैठ गई। जब आप आए, प्लीज लेट मी फिनिश सर। गरीबों की सुन लें, अदालत कभी गरीबों की नहीं सुनती और पाकिस्तान की अदालत तो बिल्कुल नहीं सुनती। सर प्लीज सुन लें, सुन लें, गरीब की बात सुन लें। मैंने हाथ बढ़ाया, इन्होंने इंतहाई खूबसूरती से अपना नाजुक सा हाथ सख्ती के साथ मोड़ के उधर ही मुड़ गई, मेरे लिए रखा था ना। और जब आप आए, आपने अपना खूबसूरत हाथ दिया, मेरा शायद हाथ इतना हसीन नहीं दिया, इन्होंने आपसे शेक हैंड किया, मैंने इसको माइंड किया। भाई आप इनसे भी हाथ मिला लो यार। नहीं, मिला नहीं, नहीं यार मिलाना नहीं? अब ये तो मना, आप मिला नहीं, रहे मना कर रही है। ये आप भाई मिला लिया है क्या? तो भाई होना यार। तो आप कौन है भाई? सर लेट मी क्लियर, कौन है आपस में? आप लोग गुफ्तगु जरा करें, मैं आई विल बी द बायस्टैंडर। नहीं नहीं, तो गुफ्तगु तो आप ही बन गए ना बीच में। अतीका ने कहा इसको राज में रखना है, इसको ओपन नहीं करना है, वरना अदालत हमारे यहाँ फौरी नोटिस ले लेती है। हाँ। और गरीबों के लिए लेती है, कमसीन और जो मजबूर लोग हैं उनके लिए लेती है, उनके लिए लेती है। अब आप लोगों ने एक राज छुपाया हुआ है, ये पब्लिक को तो पता चल गया कि राज है, ये पता चल चुका। आप तो ना खोलें उस राज को। नहीं सर, मैंने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। thank you, ये पब्लिक भी अंधी और बहरी है। खत्म कर दिए गूंगे बहरों का शोर। पब्लिक पे नहीं, अवाम की भी बात करें ना। अवाम पब्लिक ही होती है। अवाम, हमारी पूरी अवाम अभी गूंगी और बहरी हो चुकी है ना। नहीं नहीं, जागे गए, जागे हुए लोग हैं। अगर जागे हुए हैं तो इन्हें सड़कों पे आ जाना चाहिए। अगर ये जागे हुए हैं तो मुल्क उस नहज पे जा रहा है जहां इन्हें अब सड़कों पे आ जाना चाहिए, इससे पहले के बहुत देर हो जाए। आपके तो भाईजान ताल्लुक आते हैं और हर किस्म के आपके वीजे लगे हुए हैं। मेरा तो वीजा भी जाना होता वहीं का लगता है। अच्छा। और ये बातें करके आप तो चले जाओगे किसी सकाफती दौरे पे, हैं? बाद में मैं होऊंगा और पाकिस्तान का कानून होगा। अरे ये कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा, अपना मुल्क, अपना वतन मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। बहरहाल, जिस अंसार बरनी को मैंने बुलाया है, वो अंसार बरनी जिसके बारे में अभी बात की है, अंसार बरनी साहब इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल वक्त में है। मेरी अपनी नज़र में कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको अब अमली तौर पर जो है ना पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। उनमें से एक आप भी हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये वतन, ये मिट्टी, ये मुल्क मेरी माँ है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे खून का कतरा कतरा इस मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे का मकरूज़ है। मैं दुआ करता हूँ कि काश अल्लाह तबारक व ताला मुझे वो वक्त अता करे
कि मैं इस मिट्टी के कर्ज को लौटा सकूं, और जिस दिन मैं इस मिट्टी के कर्ज को लौटा दूंगा मैं फख्र महसूस करूंगा कि मैं इस मिट्टी की औलाद हूं। और आज जो लोग इस मिट्टी को तोड़ने पे लगे हुए हैं, आज जो लोग इस मुल्क को बेचने पे लगे हुए हैं, आज वो लोग जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने पे लगे हुए हैं, वो लोग जो दूसरी अफवाज को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ उकसाने पे लगे हुए हैं, मैं उनको आपके शो के जरिए वार्न करना चाहता हूं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस मिट्टी का हर बच्चा बच्चा अंसार बननी है, और हर बच्चा बच्चा इस मिट्टी पे अपना खून बहाना फख्र महसूस करता है। इस मिट्टी का हर बच्चा अंसार बननी है और खून बहाना इस मिट्टी के लिए अपना फखर महसूस करता है। इस वतन की हर बेटी अतीका ओडो है। यस। और इस वतन का उमर शरीफ है। उमर शरीफ है। यस। वेरी गुड। तो ये हमारी केमिस्ट्री तो तीन बंदों की तो मैच हो गई। हम तीन निकलेंगे, पूरी दुनिया निकल पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। और देखिए पता क्या, ये एक ऐसा वक्त है, मुश्किल वक्त है। हम असल में बम हमारे पास है, एटम बम, और डरे हुए भी हम हैं। उसकी वजह है कि हम मुनाफिक हैं, फिर रहे हैं तो घर की चादर डाल दी। नहीं, हमारे पास नहीं है भाई, खुदा का वास्ते कुछ थोड़ा सा बम का भरम तो रखो। मैंने परवेज मुशर्रफ साहब से पूछा था, सर ये टाइम पे चल जाएगा जो हमने बनाया है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो बहादुर आदमी है, बड़े वो फौजी आदमी है, कमांडो आदमी। उन्होंने कहा चलेगा, बहुत चलेगा और सबसे पहले चलेगा। लेकिन अगर आज के दौर में लोड शेडिंग हुई तो क्या उस दिन भी चल जाएगा? बनी साहब एक बात आप सुन, अतीका जी आप ही बताइए, चले लोग समझेंगे पता नहीं ये कोई वो ये भी टॉक शो और जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो उससे भी लोग घबराने लगे। ये तो हम मुल्क की बात कर रहे हैं, नो पॉलिटिक्स। नहीं सर, मुल्क में ही तो पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, ये भी है, ये भी है ना, जैसे ही मुल्क का नाम आएगा पॉलिटिक्स आ जाएगी। मैंने दो बातें पूछी थी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से। एक ये पूछा था कि जी शौकत अजीज साहब की आपको बशारत हुई थी ख्वाब में, इनको वजीर आजम बनाए आप, इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं था, सारी गड़बड़ वो करके चले गए, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। मेरी कोई पॉलिटिक्स, मैं तो मतलब ना समझ सा आदमी। अतीका आप फिल्मों में टीवी में काम किया, आप अपनी एक्टिंग से लोगों को मुतासिर किया, ब्यूटी से किया, अल्लाह ने आपको जो भी अता किया आपने उससे कौम की खिदमत करी है, और अब आप एनजीओस करती हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं, पॉलिटिक्स में आ गई हैं। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी में आप हैं, आप वो तेईस मार्च का मुझे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं 23 मार्च को आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या देख रही हैं 23 मार्च के बाद, क्या देख रही हैं तब्दीली पाकिस्तान में 23 मार्च के बाद? इधर और पार्टियां भी बिल्कुल तैयार एक तूफान की शक्ल में जो है ना वो निकले हुए हैं लोग, तो आप क्या समझती हैं क्या बनेगा? मैं समझती हूं उनको ज़रूर वापस आना चाहिए, और वो क्यों ना वापस आएँ, उनका मुल्क है, उनकी मर्ज़ी है, ही मस्ट कम बैक। यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हम एक दौर से गुजर रहे हैं, चाहे आप उसको जमहूरियत कहें, करेक्शन कहें, अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप कहना चाहें, आई थिंक ही मस्ट कम बैक एंड गो थ्रू अ ड्यू प्रोसेस। एंड ड्यू प्रोसेस यानी कि ये सियासत तो एक लेवल पे ठीक होती है, लेकिन जब आप एक सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करें ना, तो फिर क्या होता है, गरीब आवाम जो ना वो भुगतती है उन मसाइल को। ही शुड कम बैक एंड गो थ्रू अ ड्यू प्रोसेस, ताकि जिन लोगों ने, जब लोग कहते ना सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ बहुत बुरे थे, तो 8-9 साल जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनका साथ दिया, वो लोग आज इधर बैठे हुए हैं, आज अभी भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो सबको फिर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए और सच सामने निकलना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अभी कौम को सच की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आके पेश करें अपने आप को, कहें मैं आ गया हूँ, इधर खड़ा हूँ, ये मसला था, ये हमारे हाल थे, आज हम इधर हैं। और आप अगर आके करेंगे तो आपके साथ कौम ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि उनको पता है सच और झूठ और अच्छे और बुरे के बीच में हमारी आवाम को फ़र्क पता है। एक मनी साहब, सियासी तजिया निगारी भी आपकी शख्सियत में, ज़ाहिर आप एक गहरी नज़र रखते हैं, और क्योंकि प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं आप लोगों के, आप इतनी दूर दूर ममालिक में जा कर के बहरी कज़ाकों से पाकिस्तानियों को निकाल के लाए अच्छा हैं, तो क्या आप पाकिस्तान की ये जो कश्ती ये जो फंस रही है भंवर में, आ रही है जा रही है, कभी यूं कभी यूं,
और इसको लहरें जो है ना उछाल रही हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। ऐसे सिस्टम में आप उन लोगों की, जिनके साथ आपका कोई नाता नहीं है इंसानियत के अलावा, जबकि आप इस ज़मीन पे धरती की, मट्टी की और लहू की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ये स्टेप क्यों नहीं लेते हैं कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो चीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग। बहुत खूबसूरत बात की है, लेकिन चूंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत मेरे, क्योंकि मैं 30 साल से सिर्फ इंसानी हकूक के लिए काम कर रहा हूं, और बहरहाल सियासत जो है, आई एम सॉरी, ये इंसानी हकूक की तो वायलेशन हो रही है यकीनन। और जो इस वक्त इंसानी हकूक की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि बरसहा बरस में मैंने पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल कभी मेरी देखने में नहीं आई। जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरे ख्याल है कि जितनी मुनाफ़कत आज है कभी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस मुल्क को, इस कौम को एक नाखुदा की ज़रूरत है। वो नाखुदा उमर शरीफ भी हो सकता है, वो नाखुदा अंसार बरनी भी हो सकता है, वो नाखुदा अतीका भी हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोगों के पास कोई मालूम आता है? मैंने जनरल साहब से भी पूछा था, सर ये बिजली कहाँ गई है? ये तो पहले तो ये सब जगह थी। देखिए आज मेरा एक छोटा सा, आप बात सुन लीजिए, आज रेलवे का प्रॉब्लम क्यों है? इसलिए कि इसको भी बेच देना है या नए इंजन के लिए आपको बहुत सारा ड्रामेबाजी करनी है। ये सारे मसाइल पैदा किए जाते हैं, इसलिए पैदा किए जाते हैं कि मेरी जेबें जो हैं वो भर जाएं। कौम गई भाड़ में, मुल्क गया खुदा ना खास्ता, या अब मुल्क और कौम से किसी को सरोकार नहीं रहा ना। रेल बंद हो गई, आप अंदाजा लगाएं। आपकी रेल नहीं, रेलवे नहीं, आपका एयरलाइन नहीं, आपकी बिजली नहीं, आपका पानी नहीं, आपकी गैस नहीं, आपकी अब पता नहीं सांसें भी बंद कर दी जाएंगी, ऐसा महसूस होता है। घोड़ा हवा भी रोक दी जाएगी। आज कराची में घोड़ा गाड़ियां चल पड़ी और उनके घोड़े ऐसे हिनहिनाते फिर रहे, वो लोगों ने कहा लो जी सारा कुछ तो फेल हो गया। अच्छा मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ, रेलवे कितनी अच्छी हमारी थी यार, जबरदस्त। मुझे तो वो आवाजें नहीं भूल दी जो रात को चाय वाले आते हैं ना, मुख्तलिफ चाय वाले, अब आप उसे बोलेंगे एक चाय दे खत्म हो गई। मगर वो केतली लेके फिर रहा है, बिल्कुल वो रात का टाइम, आज उसकी रोजी छिन गई, आज उसकी रोजी छिन गई, आज जो वहां पे लोग सामान उठाते थे उनकी रोजी छिन गई, जो दुकानें होती थी उनकी रोजी छिन गई। अब जब रेलवे नहीं चल रही है तो वो मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, ये लूटमार करेंगे, फिर ये डाकू बनेंगे। पीआईए खत्म हो रही है, आपका गैस खत्म हो रही है, पीआईए 4 फीट के बाद जहाज नहीं उठ रहा, 4 फीट उठता है वो खास खुस के बैठ गया। माफ करेंगे, कैसी एयरलाइन चल रही है? दिन में 11 मरतबा फ्लाइट लेट होती है, शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए, पैराशूट लेके बैठना चाहिए। हमारी कौम को और हमारे पासपोर्ट को हमारी तहजीब बना दिया गया है, सही, जो हमारा फखर है, जो हमारा फखर है उसको हमारी तहजीब बना दिया गया है। राइट, इस मुल्क में एक ऐसे इनकलाब की जरूरत है जिसपे पाकिस्तान का नाम लेने पर पाकिस्तानी कौम फखर करे। खावत नजरात, इस मुल्क को एक ऐसे काम की ज़रूरत है, आपको उठना है। आप जो बैठे हुए ना घर में बहाना करके, जोड़ों में दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अब तो खाना हजम नहीं होता, बोला भी नहीं जा रहा है, उठो उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धोलो, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त तक होना ठीक नहीं है, सूरज निकला, तारे जागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी उठ के बाहर जाओ, ऐसे वक्त का लुत्फ उठाओ। बल्कि ऐसे वक्त में मुल्क बचाओ, वाह बिल्कुल, मुल्क बचाओ तहरीक, ये बहुत जरूरी है। हम इस तहरीक के ऊपर फिर बात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद, वक्फा हमारी मजबूरी है और प्रोग्राम के साथ रहना आपका बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम यहाँ पे जहाँ आपको हंसाते हैं, हंसने की बात करते हैं, हम इसके साथ साथ ऐसे लोग बुलाते हैं जो हमें कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छूती हैं, आपके दिमाग में आपको जगाती हैं, और ये वक्त है हमारा जगाने का। समझ लीजिए हम सबको मोहल्लों का चौकीदार बनना है और एक ही आवाज़ जागते रहना है कि जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, सोना मत, हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे निकलना है, सारे इल्ज़ाम धोने हैं, सारे अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को धोना है, तो आपको जागना है। आप जागिए, मैं भी जाग रहा हूँ, वापस आते हैं फिर मिलके जागेंगे, बात करेंगे। Don't go anywhere, we'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जब हम गए थे तो हम यहाँ छोड़ के गए थे कि बहुत कुछ हमें करना है, जागना है। तो जागो और जगाओ और एक दूसरे के साथ मिलकर कदम आगे से आगे बढ़ाओ, ये हमारा आज की लाइन है कि हमें ये काम तो करना ही है, अब ये वक्त है। अब हम करते हैं बात जनाब मोहतरम अंसार बरनी साहब से। आप कराची में पैदा हो? इत्तफाक से। ओह, ये बड़े खतरनाक सवाल है बाय द वे। सर, आप कराची में पैदा हुए? हाँ। बिल्कुल कराची पैदा हुए। और पैदा हुए आप 14 अगस्त को? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी अ प्योर पाकिस्तानी। 14 अगस्त को पैदा हुए हैं, कराची में पैदा हुए हैं, और स्टार आपका है लियो शेर। और साल नहीं बताया? मैं साल ये देखो यार, ये फिर ये मेरा साल बताया ना, 1976। क्या मतलब है? आप शर्मा रहे हैं। अच्छा, नहीं, 1976। अच्छा, मुझे पता है, मेरे मेरे हाथों में कूड़े हुए हैं। मुझे तो पता है। अच्छा, अतीका से कितना छोटा हूँ ये बता दो। ये बता दो किससे? अतीका से? अतीका से आप 10 साल छोटे हैं। ओके, ठीक है। लेकिन लग रहे दोनों आप एक जैसे हैं। मैं बरनी साहब की एक बात को जरा सा आगे लेके जाना चाहता कि इनकी जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो ये हैं कि इनको भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, इनको भी बहुत सारे दौर में बहुत सारी कमज़ोर गवर्नमेंट ने इन्हें भी एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। लालच, एक नहीं लालच नहीं, एक फेसिंग होती है ना फ्रंट लाइन की, वो फ्रंट लाइन में इनको लाना चाह होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये क्योंकि खिदमत खल्क से ही वाबस्ता रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं खिदमत करूं इंसानों की। वरना देखिए ना, अब तक ये अब तक आप कितने इंसान कैद से रिहा करा चुके? 8 लाख से ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख आपने कराए हैं। 8 लाख बंदा कैसे रिहा करा दुनिया भर से? ये 18 करोड़ भी करा दो अल्लाह के वास्ते। हाजिर। आपने रोमांस किया शुरू में, स्टार्ट में जब आप अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू किया है। उधर क्यों देख रहे हैं? मैं ये सोफे में आग लगा दूं। यानी सोफा हमारा, लाइट है हमारी, कैमरे हमारे, लव आपका, ये तो अच्छा लव स्पॉट बना दिया आपने। अच्छा है, जो भी बैठेगा उसको मोहब्बत का एहसास होगा। इस सोफे पे आप ऐसा जरासीम छोड़ के जाएंगे, मतलब मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं ना। मोहब्बत इतनी भी ना फैलाएं कि वो चले, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं सर, थोड़ा कम कर, कम कर दी, चल कम कर ले, करती काम पे ज्यादा तो कर दी, कर दी, कर दी। मेरा मतलब है 18 करोड़ लोग आपको नजर नहीं आते, 8 लाख छुड़वा लिया आपने जेल में से। चले आज अहद करें, आइए हम इस कौम से भी एक अहद लें, आ लें कि अहद कर लें कि हम पाकिस्तानी बन जाएं और इस कौम को हर मुश्किल से आजादी दिलाने के लिए अब उठ खड़े हों। उठ खड़े होना पड़ेगा। ये समझ लें कि माँ है वो इस वक्त बहुत बीमार है, उसको अपनी औलाद की जरूरत है। अगर औलाद आज भी काम ना आई तो ऐसी औलाद पे लानत भेजता हूँ मैं। उठ खड़े हो। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोश एक गंदम को जला दो। वाह। उठ खड़े हो और उन ऐवानों में बैठे हुए उन करप्ट लोगों को, उन अदालतों में बैठे हुए उन करप्ट जजों को, उन 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 हर मुकामात पे बैठे हुए उन करप्ट लोगों को, उनसे आज इस वतन को पाक कर दो कि इस वतन में आने वाला हर बच्चा फखर के साथ पैदा हो और फखर के साथ महसूस करे कि मैं पाकिस्तानी हूं। वाह। अरे मगर अब इस वक्त जो एक तजिया लगाया गया उसके हिसाब से तकरीबन 53,000 का जो है ना, हर बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ मकरूज है, जो हो गया है मकरूज, वो मकरूज है, जो नहीं हुआ अभी वो भी मकरूज, वो भी मकरूज है, और वो इसलिए नहीं हो रहा, जिसका कोई जुर्म भी नहीं है वो इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा। सर, रोमांस आपने एक मोहल्ले में, आप तो होंगे बड़े प्यारे से पप्पू बच्चे टाइप के होंगे, गोरे चिट्टे होंगे आपके, होंगे बड़े प्यारे, मैंने आपकी फोटो देखी है छोटे बालों। अच्छा, आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आप उस इमेज पे आ गए कि लोग कहेंगे यार ये बंदा बंदे भी छुड़ाता है। और ये मैंने जब इश्क शुरू किया तो मैं स्कूल में था, स्कूल और हाँ स्कूल से शुरू किया मैंने। कितने साल के थे आप?
मेरे ख्याल है कि शायद 8th क्लास में था मैं। 10 में होंगे तो 15 साल के होंगे। 8th क्लास में था और 8 में तो फिर 14-15 साल के होंगे। जिससे इश्क किया वो आज मेरे 3 बच्चों की माँ है। ये तो कंप्लीट सेटअप था। मैंने कहा बजाय इसके कि आप इधर उधर जाओ, ये इश्क नहीं था, ये फैमिली प्लानिंग किया। यानी यहाँ भी एक जो एक आपने जो है ना एक रास्ता रखा गया। अच्छा उमर भाई अपने बारे में तो बताइए आप। मैं तो होस्ट हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम मैं जानना चाहती हूँ क्या इश्क किया, दिल टूटा कभी, आपने शादी की, बच्चे हैं। नहीं अभी हाथ नहीं मिलाया। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ ना। अभी टूटा? हमारे बारे में तो लोग जानते हैं। आप बताएं आपका क्या ख्याल है। मैं जानना चाहती हूँ। मैं आज ही बंगाल से हूं। नहीं मैं सीधा आज आप मुझे अपनी कहानी सुनाई। आपने एक लफ्ज कहा उसको मैं जरा थोड़ा सा सही कर दूं। सही है। आपने कहा हमारे बारे में तो लोग जानते हैं। मतलब हमारे पूछते रहते हैं ना, जवाब देते रहते हैं। ये गोलमोल कर देते। नहीं नहीं आप पता क्या कर रहे हैं, आपने एक लफ्ज कहा ना तो उसको मैं जरा सा सही कर दूं, आइंदा भी काम आएगा आपको। हाँ। आपने कहा लोग हमारे बारे में तो जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम मेरे बारे में पूरी दुनिया जानती है। नहीं उमर भाई मैं तो नहीं जानती। ना आप नहीं जानती ना। मुझे बताएं आप ना। अच्छा आप क्या अब्दुल करीम के? नहीं मैं जानना चाहती हूँ आपकी रोमांस की हिस्ट्री क्या है। कहेंगे आपके रोमांस की हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। मैं रोमांटिक हूँ ही नहीं। उमर इंसानों से प्यार करते हैं। मुझे खूबसूरत औरतें बहुत बुरी लगती है यार। ये तो फिर तुम तो चलो, क्योंकि वो हासिल नहीं होती मेरे किसी काम की नहीं है, बुरी है वो। ये तो मुझे बशकल औरतों से प्यार है। मैं ढूंढ ढूंढ के बशकल औरतों को देखता हूँ। क्योंकि उन्हें कौन देखेगा। मगर उमर भाई आपको तो सब देखते हैं, जमाना देख रहा है आपको, एक जमाने से लोग आपको देख रहे हैं। आपके बराबर में एक शख्स बैठा हुआ खिदमत खल्क, 8 लाख कैदी छुड़ाए और मुझे लग रहा है ये खुद कैद हो जाएंगे। अच्छा मगर इसमें एक वजाहत कर दूं। जी सर। कि इंसानों में कोई बदशक्ल नहीं होता। नहीं सर देखिए बात सुनो, इन्होंने मैंने एक ब्यूटी की बात करी इनके ऊपर की है। अच्छा इन पे की थी वो ब्यूटी? इनकी ब्यूटी तो है ना। अच्छा ऐसे तो नहीं ना वो अतीका ओडे हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखा। अतीका ओडो है भाई, आप क्या समझ के बैठे हैं, जमीला के साथ बैठे हैं? मैं ये समझ रहा था। क्या हो गया प्यारे भाई? वाकई अतीका है, अतीका ओडो। अच्छा सलमा सितारा पहला मेहरून निसा ड्रामा अनवर मकसूद भाई का। ओफो इनकी सीरियलें देखें, इनके फिल्में देखें, ये बाकायदा हसीन औरत हैं, मगर मुझे हसीन औरतें बुरी लगती हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा क्योंकि ये मतलब हुसन जो है ना खतरनाक है, उससे बच्चे जितना बच सकते हैं। आज से ट्राई करूंगा। बेहती का लड़ाई। हाँ ये देखें अब ये आप तो लोगों की लड़ाई हुई, गड़बड़ कर दी उन्होंने। अल्लाह तेरा एहसान है। अतीका जी आपका जो भी मुझसे बातचीत में कोई बेअदबी गुस्ताखी हो गई हो, बर्नी साहब आपकी कोई शान में गुस्ताखी हो गई हो, लेकिन मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि हम उन्हीं को यहाँ बुलाते हैं जिनको हम देखते हैं कि ये शरीफ लोग हैं और ये शरीफ शो है। और आपके जो काम मैं देखता रहता हूँ, और ये एक हकीकत बात है कि इज्जत दिल में होती है, इंसान की आंख में, उसके दिमाग में होती है, और वो आप दोनों के लिए मेरी तीनों जगहों पे बहुत इज्जत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप पाकिस्तान की आन बान शान है, और इसी तरह खिदमत करते रहिए और पाकिस्तान के आवाम की दुआएं लेती रहिए। ओहदे लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दुआ लेना बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।